कालाबाजारी करते पाए तो होगी कार्रवाई। जमाखोरी में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन। प्रिंटेड से अधिक दाम पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। भिवानी में भी 9 बजे से 6:30 बजे तक ही बाजार खोलने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है, जिसके बाद भिवानी के बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। दुकानों पर तंबाकू और घरेलू सामान प्रिंटेड से अधिक दाम पर बिक रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जिले में कालाबाजारी और प्रिंटेड से अधिक दाम पर सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते दिल्ली समेत कई राज्यों में सप्ताह भर का लॉकडाउन लगा दिया गया है। यही कारण है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और कालाबाजारी की अफवाहें उड़नी शुरू हो गई हैं। बीते साल लॉकडाउन के दौरान बीड़ी सिगरेट की कालाबाजारी हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी। लोगों को यह भी ऐसी कार्रवाई का इंतजार है। इस बार भिवानी के एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सहित घरेलू सामान का कालाबाजारी की अफवाह सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने 2 टीमें गठित की गई हैं, जिन्होंने बताया कि कोई दुकानदार सामान के निर्धारित कीमत से ज्यादा रेट पर लेता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया ग्रुप से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कोविड संक्रमण को देखते हुए कुछ वस्तुएं जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब के रिगार्डिंग कुछ कालाबाजारी चल रही है, जो कि रेट से ज़्यादा रेट पर, निर्धारित रेट से ज़्यादा पे बेचा जा रहा है। तो इस विषय की शिकायतों के बारे में कुछ एक व्यक्तियों के नाम भी मिल गए थे, जिसके बारे में हमने टीम बना के भेजी थी, तो उसमें चेक किया गया तो उसमें जो व्यक्ति था बेचने वाला था, मेरे खिलाफ एलिगेशन था, वो ठीक रेट पर बेचता पाया गया, काफ़ी ज़्यादा नहीं था। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई व्यक्ति, अगर हमें पुख्ता रिपोर्ट मिलती है किसी व्यक्ति के खिलाफ में, तो हमने टीम गठित कर रखी है जो जाके उनको चेक करेंगे व्यक्ति अपने ग्राहक बन के, और अगर कोई व्यक्ति कालाबाजारी करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ में नियमानुसार सख्त कार्रवाई करी जाएगी। क्योंकि कोविड संक्रमण है, इस समय इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, उपभोक्ताओं को शोषित करने की गतिविधियाँ कानून के रूप से गैर कानूनी हैं, उनको नहीं करना चाहिए। मानवता का भी लोगों को परिचय देना चाहिए। ये समर्पण भाव का समय है, ना कि कालाबाजारी करके लोगों को लूटने का। तो इसके बारे में प्रशासन द्वारा टीम गठित कर दी गई है। कोई अगर पुख्ता रिपोर्ट मिलती है तो खिलाफ में त्वरित कार्रवाई करी जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि इस समय में मानवता का परिचय देते हुए सभी का सहयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और कम से कम घरों से बाहर निकलें। अति आवश्यक कार्य होने के पश्चात ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें, ताकि कोविड संक्रमण को रोका जा सके।